वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग होता है यहीं से शुरू। तो आपको कबूतर दिखा रही हूँ, बचे हुए जो रोटी छोटी थी, चावल वावल थे, वो मैंने यहाँ डाल दिए थे। तो ये देखें जी, कबूतर आया है यहाँ खाने के लिए। मैंने पानी भी रखा है, दूसरी वाली खिड़की पर पानी भी रख दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत है, परिंदे प्यासे भी होते हैं, भूखे भी होते हैं। तो जी हमने यहाँ इनके लिए दाना पानी डाल दिया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सुबह हो चुकी है और गर्मी बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब में। 50 तक सेंटीग्रेड चला जाता है, लेकिन एसी वगैरह होता है तो इतना पता नहीं चलता है। आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, रेगुलर मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। और आज है अब्दुल हादी की बर्थडे, मैं नीचे उतर रही हूँ इस बार और उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेने जा रहे हैं। केक हम काटेंगे रात में, हमने प्रोग्राम बनाया था, हम जाएँगे हरम, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे ईशा की, और वहाँ ऊपर क्लॉक टावर में काटेंगे केक। तो अभी हम जा रहे हैं दीदी गिफ्ट लेने। बता भाई सहरावी बता यार इसको गाड़ी चढ़ाते हैं पहाड़। तो ये मक्का में आपको जगह जगह पहाड़ी नजर आएंगे, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ हर जगह पहाड़ है। और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर 50 तक चला जाता है। अभी हम जा रहे हैं मार्केट ब्रदर के गिफ्ट लेने, क्योंकि आज उसकी सालगिरह है और पहुँच चुके हैं हम। यह है तो खमसा रेल की दुकान, लेकिन यहाँ पे खमसा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सारी चीज़ें खमसा की नहीं है, खमसा का मतलब होता है पाँच रियाल की शॉप है, लेकिन यहाँ 5 रियाल के कम चीज़ें, 5 रियाल के ऊपर की ही सारी चीज़ें। तो मैंने अब्दुल्ला के लिए पियानो ले लिया है। अच्छे से अब्दुल्ला को हाथी के साथ ही गिफ्ट देने थे हम लोगों ने, और वो पीछे लगे थे गिफ्ट गिफ्ट, तो मैंने उसको गिफ्ट दे दिया है अभी। और केक शेक दिन में नहीं कटेगा, रात में कटेगा। अभी हम जाएंगे हरम और इशा पढ़ेंगे और वहाँ, और आप लोगों को हरम भी दिखाऊंगी मैं, और वहाँ नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे क्लॉक टावर। चलिए तो हम लोग रेडी हो गए, हम लोग जा रहे हैं अभी हरम, और गिरते गिरते बची हूँ मैं, एहतियात से चल रही थी क्योंकि मेरा पैर एकदम स्लिप हो गया। तो हम 8 बजे निकले हैं, 8 बजे निकले हैं, 8:30 तक जो है वो ईशा हो जाती है, नमाज खड़ी होती है। और हम उससे पहले पहुँचने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पैदल भी चलना होता है, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं क्योंकि गाड़ी हमें पीछे खड़ी करनी होती है, फिर टैक्सी लेके आगे जाना होता है। लेकिन हम पैदल जाएँगे, टैक्सी नहीं लेंगे, काविश गाड़ी खड़ी करके वो टैक्सी लेकर आएँगे। चलिए सामने आप लोग पहाड़ देखने की कोशिश करें, ये वही पहाड़ है जो दिन में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे शार्क का पीछे टेल निकली हुई होती है ना, उस तरीके से ये पहाड़ है। और रात में बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहे होते हैं पहाड़, अंधेरे में काले काले पहाड़ नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि हम बस पहाड़ के अंदर ही जा रहे हैं। तो रश आप चेक कर सकते हैं, सिग्नल बहुत लंबे लंबे बंद होते हैं, क्योंकि मक्का में हाजी आ चुके हैं और रश बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सिग्नल काफ़ी लंबा बंद होता है यहाँ। क्लॉक टावर हमारे नज़दीक आता जा रहा है, हम हरम के करीब पहुंचते जा रहे हैं और नमाज वगैरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी, आपने मुझे दुआ में याद रखना है, और जितने भी लोगों ने मुझसे दुआओं को कहा है मैं उन सब के लिए इंशाल्लाह ताला ज़रूर दुआ करूँगी। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए सब कुछ बेहतर करे, जिस जिसने मेरे लिए मुझसे दुआ के लिए कहा है, अल्लाह ताला उन सब की जायज़ दुआएँ जो है वो कबूल अदा फरमाए, आमीन। जल्दी जल्दी चल रही है, खत्म हो रही है नमाज। किसी सूरत में इसका हाथ ही छोड़ेगा, ऐसे छोड़ के आगे नहीं बढ़िएगा। रोमान का हाथ ही छोड़िएगा, तो बता रोमान को ठीक है, बहुत बड़ी मुश्किल बच जाएगी। आ गया आ गई।
चलेंगे हलम में रश बहुत ज़्यादा है और हमने नमाज़ पढ़ ली है ईशा की नमाज़ पढ़ के हम रश बहुत ज़्यादा होता है लोग निकलने की करते हैं बस जल्दी जल्दी तो ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे और अब पढ़ चुके हैं बल्कि मैं तो पढ़ ली है जमात से नमाज़ अब मैं जाऊँगी अंदर कॉफ़ा और ये अब्दुल्हादी देख के चलिए तो हम लोग तो अंदर आ गए क्लॉक टावर के माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत हसीन बना हुआ ही है और बहुत 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 बड़ा है तो काफ़ी शाइनी है हम काफ़ी शेयर वेट करेंगे जब तक हम थोड़ा सा मॉल घूमेंगे ये क्या है भाई अब्दुल्हादी और रोमान का खैमा ये तस्वीर खींचेंगी बैठिए सिट डाउन
सिट डाउन दादी। केक लगे हुए ऊपर। वो छोटा नहीं है? ये प्यारा भी तो उतना लग रहा है। हाँ? चॉकलेट लेंगे क्या? चलिए हमें केक खोलना है, निकालना है, हम लोगों को दिखाना है। हम लोगों ने लिया है बास्किन रॉबिन का आइस केक। इनके केक जो है वो आइस केक होते हैं, आइसक्रीम की तरह ही होते हैं। तो कैरेमल में लिया है, बहुत ही कोई यमी किस्म का केक है। अभी हम इसे खोलेंगे और आपको दिखाएंगे, फिर काटेंगे और फिर उसको खाएंगे भी। यमी यमी कैरेमल माय फेवरेट। चलिए हम लोगों ने केक काट भी लिया और खा भी लिया। रश भी बहुत ज़्यादा था और वो आइसक्रीम भी थी ना, तो वो पिघल रही होती है, तो मुझे जल्दी खाया केक। अभी हम जा रहे हैं वापस और हमने टैक्सी ले ली है। यहाँ से हम गाड़ी में जाए, अपनी गाड़ी तक जो है हम टैक्सी में जाएंगे और उसके बाद हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे और जाएंगे घर। खाना हम लोगों ने आज कढ़ाई बनाई है बकरे की, हम घर जाके खाना खाएंगे। तो चैनल ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दुआ में याद रखें मुझे भी, मैंने भी आप सबको दुआ में याद रखा हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयरिंग करें। और जी ये अब्दुल हादी की जो है ना पाकिस्तान में भी एक बर्थडे मनाई गई है। उनकी दादी ने जो है, उनके चाचू ने जो है वो केक मंगवाया और उस पर लिखा है हैप्पी बर्थडे बग्गी। और ये खाना बना हुआ है उनके यहाँ कबाब चावल। और ये आया अब्दुल हादी का केक जो कटा है पाकिस्तान में। एक केक पाकिस्तान में कटा है, एक केक सऊदीया में कटा है अब्दुल हादी का।